नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और सोचते हैं कि कोरोना तो पिछले साल भी आया था, लेकिन तब इतनी दहशत नहीं थी, इतना खौफ नहीं था और ना ही कोरोना से इतनी मौत हो रही थी। तो फिर इस बार कोरोना से इतनी दहशत क्यों और इतनी सारी मौत क्यों? तो आज वारदात में आपको कोरोना के इसी काले सच के बारे में बताऊँगा। दरअसल कोरोना अब तक फेफड़ों पर हमला कर रहा था, यह हम सब जानते हैं, लेकिन अब कोरोना को एक उसका काला साथी भी मिल गया है, ब्लैक फंगस। और बस यहीं से कोरोना पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया और यही वजह है कि इस बार पहले से ज़्यादा मौत हो रही है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। स्टीरॉयड्स और शुगर, इन दोनों का मिश्रण होके ये ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। इसके बारे में हम जनता को जागरूक भी करेंगे। अब तक कोरोना का यह वायरस तबाही मचाए हुए था, मगर अब यह अपने साथ अपना एक काला साथी भी ले आया। नाम है ब्लैक फंगस, जो कोरोना के मरीजों के लिए अब जान का दुश्मन बन गया है। लखनऊ, मुंबई, गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीजों के अंदर पाया गया है ये ब्लैक फंगस। एक बार ये शरीर में दाखिल हो गया तो फिर ये जीने का ज्यादा मौका नहीं देता। वक्त पर इलाज न मिले तो जिंदगी और मौत 50-50 के दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। हवा और जमीन में काला फंगस पहले से ही मौजूद है, मगर इसे जैसे ही कोई कमजोर इम्यूनिटी वाला इंसान मिलता है, वो उसके संपर्क में आ जाता है, शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है। कोरोना के काल में ये बुरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और आजकल तो कोरोना की वजह से इसे हर गली कूचे में अपने शिकार मिल रहे हैं। उन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है जो कोरोना से अभी अभी ठीक हुए हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अभी उस लेवल पर वापस नहीं पहुंची होती है जो इसका सामना कर सके। मरीज जितने लंबे वक्त तक अस्पताल में रहेगा और जितनी ज्यादा उसे स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक और एंटीफंगस दवाएं दी जाएंगी, उसे इससे उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। हवा में मौजूद ये फंगस सबसे पहले नाक में घुसता है, फेफड़ों के बाद खून के जरिए दिमाग तक पहुंच सकता है। इसका हमला जितना तेज होगा, संक्रमण उतना ज्यादा होगा, लक्षण भी उतने ही गंभीर होंगे। इससे संक्रमित होने के बाद शरीर को दबाने पर काले निशान बनने लगेंगे, इंसान पर बेहोशी तारी हो जाएगी, संक्रमित मरीज के सीने या सर के एक्सरे में साफ तौर पर कालापन दिखेगा। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि इस संक्रमण की चपेट में आने वालों की मौत की दर 50% है। सबसे ज्यादा खतरा डायबिटिक लोगों या जिनका शुगर लेवल 300 से 500 तक है, उन लोगों में वक्त के साथ मौत की आशंका बढ़ जाती है। मतलब ये समझिए कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, पहले कोरोना से बचे, लड़े और फिर अब इस ब्लैक फंगस से। इसे इसलिए संजीवनी से लेने की जरूरत है क्योंकि ये लाइफ लाइन नहीं देता, सीधे लॉक कर देता है। यानी इससे संक्रमित होने के बाद आपके पास वक्त बहुत कम होगा, सीधे अस्पताल नहीं गए तो मौत का खतरा मंडराने लगेगा। कम से कम जब तक कोरोना है तब तक तो धूल की जगह मास्क लगाएं, बगीचे में काम करते वक्त मिट्टी खाद छूते वक्त जूते मोजे ग्लव्स शर्ट पैंट पहने, क्योंकि इस वक्त ये अगर आपके अंदर दाखिल हो गया तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। होने को तो ये किसी को भी हो सकता है, मगर वो लोग खास ख्याल रखें जो स्टेरॉयड मिली हुई दवाएं खाते हैं। आखिर होता क्या है ये ब्लैक फंगस? वैज्ञानिक नाम इसका म्यूकर माइकोसिस है। आपकी जुबान में कहें तो इसे फफूंद भी कह सकते हैं।
या आपके जिस्म के ऊपरी हिस्से जैसे फेफड़े, नाक या मस्तिष्क में चला जाए तो जानलेवा है। फिर इससे संक्रमितों के जिंदा रहने की उम्मीद सिर्फ 50% रह जाती है। गुजरात में तो इसकी काली सुनामी ही आ चुकी है। गुजरात में डराने वाली बात यह है कि यहाँ ब्लैक फंगस से जो लोग संक्रमित होकर आ रहे हैं वो ज्यादातर लोग पहले कोरोना को मात दे चुके हैं। म्यूक्रोमाइकोसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि जब पेशेंट कोविड के दौरान या कोविड से रिकवर करते वक्त ये बॉडी में इन्फेक्ट कर देता है। तो म्यूक्रोमाइकोसिस जनरली जो है आईज के अंदर या हमारे मुंह के अंदर या नेजल उसके अंदर या कभी कभी ये दिमाग में और फेफड़े तक भी इसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। तो ये ब्लैक कलर की फंगस होती है। नॉर्मल रूटीन में देखा जाए तो ये फंगस जो है सॉइल में होती है, एयर में होती है या रॉटन वेजिटेबल्स वगैरह में जो पुरानी सड़ गई गल जाती हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उनके अंदर ये फंगस देखी जाती है। होता क्या है कि कोविड के अंदर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, खासकर कि अगर उसको डायबिटीज भी हो या वो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन से सफर कर रहा हो तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो काफी लो होती है। तो ये फंगस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह उसके अंदर आके इन्फेक्ट कर देती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। ये न सिर्फ लोगों की जिंदगियां लील रहा है बल्कि जो जान बचाने में कामयाब होते जा रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी छीन लेता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो इससे मरीज को बचाने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ी है। ये अलग अलग शक्लों में हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। आमतौर पर फंगस ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो फंगस फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं वो जानलेवा बन सकते हैं। उनसे टीबी या बुखार होने का खतरा बना रहता है। ये ब्लैक फंगस भी लोगों के फेफड़ों में दाखिल हो रहा है जो बहुत तेजी से शरीर में फैल रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, जल्द से जल्द इसका डायग्नोस होना। यानी इसकी जानकारी वक्त रहते लग गई तो ठीक, वरना देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अपनी तादाद बढ़ाने के बाद ये फंगस नाक के जरिए आंखों तक में दाखिल हो जाता है। फिर इसका अगला निशाना आपका दिमाग होता है, जिसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि कोरोना का ये वायरस कम था जो ये काली तबाही आ गई। इस काली तबाही को कोरोना का ही हिस्सा मानिए। होता दरअसल यह है कि जब किसी इंसान के अंदर कोरोना के वायरस का संक्रमण बढ़ जाता है तो उसे कई तरह की दवाएं दी जाती हैं, जिनमें काफी मात्रा में स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड देने से होता यह है कि आपकी बॉडी की जो क्षमता होती है संक्रमण से लड़ने की वो कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोविड मरीज हाई रिस्क में आ जाता है। और फिर अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस अटैक करता है तो वो आम दिनों की बनिस्बत काफी जल्दी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काबू पा लेता है। कोरोना के ब्लैक फंगस के सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करें तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर के किस हिस्से में खुद को बढ़ा रहा है। बुखार या तेज सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, होनी उल्टी, नाक से खून आना, आंखों या नाक के आसपास दर्द, आंखों या नाक के आसपास लाल निशान या चकते, आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना, सूजन, सीने में दर्द। अब इसको पहचाने कैसे? जो भी कोविड का पेशेंट रिकवर हो रहा है या कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान चल रहा है, खासकर कि जिसको ऑक्सीजन दी हो हमने, जिसके नेजल कैनुलास लगे हो, जो वेंटिलेटर के ऊपर हो या नॉन वेंटिलेशन के ऊपर हो, जिसके ऊपर की ऑक्सीजन देने के उपकरण चले हो और अब वो कोविड से रिकवर कर रहा हो, अगर लगे कि ऐसे कोई भी व्यक्ति की आंख जो है वो पलक बिल्कुल नीचे, जिसको हम टोसिस कहते हैं, नीचे गिर गई हो, या आंख बाहर बल्ज कर रही हो जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, या जिसके मुंह के अंदर काला काला पन आने लग गया हो या नाक में से कोई काली चीज निकल रही हो बाहर, तो ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और इसको तुरंत हमारे को ईएनटी स्पेशलिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, वो एंडोस्कोपी करके बता देगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। और दूसरा, इसके KOH जो है, इसकी स्लाइड्स बनाई जाती हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्लाइड्स बनाई जाती हैं, और साथ में MRI वगैरह करके इसकी डायग्नोसिस होती है। इस ब्लैक फंगस के मामले में कई मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी है, क्योंकि ये नाक से शुरू होकर आंखों तक फैल जाता है। धीरे धीरे आंखें लाल होने लगती हैं, इसके बाद सूजन और फिर कम दिखने की शिकायत, और आखिर में आंख निकालने तक की नौबत आ जाती है। मुंबई में BMC के बड़े अस्पताल सायन में 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिले हैं। इनमें 6 की मौत हुई है और 11 मरीजों की एक आंख निकालनी पड़ी। गुजरात में तो ऐसे करीब हजारों केस सामने आ रहे हैं,
सूरत में 100 से ज्यादा मामले हैं, जबकि राजकोट में 500 केस आए। अहमदाबाद में हर रोज 50 से 60 ब्लैक फंगस के केस दर्ज हो रहे हैं। एक्चुअली इन मरीजों को एक फंगस की बीमारी लगी है जो एक घातक फंगल इन्फेक्शन है, और वो उन्हीं को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है, उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है जैसे डायबिटिक होते हैं तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी, और कोविड में जैसे स्टेरॉयड का यूज काफी हुआ है तो स्टेरॉयड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉयड, ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। ये इन्फेक्शन पहले नाक को और जबड़े को पकड़ता है। अगर उस समय पे मरीज जागरूक नहीं हो, मरीज को नहीं बताया गया इन चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान नहीं दे तो सीधा आंख को पकड़ता है और ये सीधा अंधापन करता है, बहुत तेजी से अंधापन करता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका इलाज क्या है, तो जानकार बताते हैं कि अगर इनमें से कोई भी तकलीफ आपको हो जो असाधारण है, मतलब वैसा आपको पहली बार महसूस हो रहा है, तो इन लक्षणों के दिखने पर अपनी मर्जी से दवा लेना शुरू न करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इनमें जरा भी देर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। इसे एंटी फंगल दवाओं से ठीक किया जा सकता है। ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है। ट्रीटमेंट में एक तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है अक्सर, और दूसरा हमें इंट्रावीनस एंटीफंगल दवाइयां देनी पड़ती हैं। जब हम ये दवाइयां देते हैं तो उससे जो है ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। अगर इसका समय रहते इलाज ना किया जाए तो इससे मृत्यु तक हो सकती है। तो ये हम सबको जानना बड़ा जरूरी है कि इसको डायग्नोसिस अर्ली करनी बड़ी जरूरी है। तो कोई भी आपका कोविड का पेशेंट जो रिकवर कर रहा हो, जिसके अंदर की मुंह में, नाक में कहीं पर काली काली फंगस की ग्रोथ शुरू हो जाए तो तुरंत सस्पेक्ट कीजिए कि ये म्यूक्रोमाइकोसिस हो सकती है। क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल चलाता हूं तो इस तरह के दो पेशेंट्स हमने भी डायग्नोस किए हैं जो कि अब रिकवरी की तरफ चल रहे हैं। देश में कई कंपनियां हैं जिनकी ऐसी दवाओं को मंजूरी दी जा चुकी है जिसका इससे इलाज किया जा रहा है। हाँ, इससे एहतियात के लिए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, किसी भी तरह के स्टेरॉइड्स को ध्यान से लें, ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टराइल किए गए पानी को प्रयोग में लाएं, एंटीबायोटिक्स एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें, जब भी बाहर जाएं खास तौर पर धूल वाली जगह पर तो मास्क जरूर पहनें, बगीचे की देखभाल के वक्त जूते पजामा पूरी बांह की शर्ट और दस्ताने पहने, स्क्रब बाथ लेने समेत पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखें। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन संस्था CDC ने भी इस बात की चेतावनी जारी की है कि भारत में ऐसे लोगों की जल्द से जल्द पहचान करने की जरूरत है जो कोरोना के ब्लैक फंगस से संक्रमित है, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो मौत के आंकड़े और तेजी से बढ़ने लगेंगे। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर, लोकेंद्र सिंह और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। कोरोना के बदलते रूप ने कैसे बढ़ा दी है मुश्किलें, पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। पिछले साल कोरोना के रंग रूप और तेवर एक थे, बदल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना ने न सिर्फ अपना रंग रूप बदला है बल्कि तेवर भी बदल लिए। कोरोना के अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं, अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना इतना चालाक हो गया है कि RT-PCR की जाँच में भी वो खुद को छुपा कर रख रहा है, और बस यहीं से मुश्किल शुरू हो गई। कोरोना की इस तबाही के बीच देश में N440K की काफी चर्चा है, जो कुछ और नहीं बल्कि कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जिसे आंध्रा वेरिएंट के नाम से भी जाना जा रहा है। मुमकिन है कि अभी आप इस बात से अनजान होंगे कि ये कितना खतरनाक है। दरअसल पिछले दिनों कहा गया कि कोरोना के N440K वेरिएंट से आंध्र प्रदेश में संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया गया कि ये वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, और इस वेरिएंट की वजह से ही लोग महज 3 से 4 दिन में वेंटिलेटर पर पहुंचे जा रहे हैं। अकेले दक्षिण भारत में अब तक कोरोना के 5 वेरिएंट्स मिल चुके हैं। इनमें AP स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में तेजी से फैल रहा है। इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा गया है। सबसे पहले इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुई थी, जिसकी वजह से पूरे राज्य में खौफ पैदा हो गया। वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान पाया कि कोरोना का ये वेरिएंट न सिर्फ 15 गुना ज्यादा वायरस फैलाने की क्षमता रखता है बल्कि जानलेवा भी है। इसकी खोज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के मामलों के बाद की थी।
पहले इसके बारे में कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस का ये N440 के वेरिएंट 1000 गुना तेजी से फैलता है, वहीं अब इस बात से किनारा कर लिया गया है। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में इस वेरिएंट को खतरनाक नहीं माना जा रहा है। असल में हो क्या रहा है कि जब जब कोरोना वापस खुद को म्यूटेट कर रहा है, तब तब RT-PCR का टेस्ट उसे पकड़ पाने में चूक जाता है। ऐसे में देर होने की वजह से अनजाने में मरीज की जान चली जाती है, जिससे हड़बड़ी में खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि कोरोना का वेरिएंट कोई भी हो, उसे उसी रूप में लेना चाहिए कि वो खतरनाक है, क्योंकि रिसर्च की कमी होने की वजह से कब कोई वेरिएंट रंग रूप बदल ले कहा नहीं जा सकता। सवाल ये भी आता है कि जब जब ये वायरस खुद को बदलता है तो कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि वायरस खुद का रूप बदल भी ना पाए? इस पर विशेषज्ञ मानते हैं कि अब तक कोई दवा या वैक्सीन ऐसी नहीं है जो इस वायरस को म्यूटेट होने से रोक सकती है। इसीलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर, लोकेंद्र सिंह और सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।